पिछले एक सप्ताह में हरी सब्जियों के दामों में लगे तड़के ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। लौकी 40 रुपए किलो तो कद्दू 20 रुपए किलो मिल रहा है। हरी धनिया 300 रुपए किलो हो गई है। अदरक 80 रुपए किलो हो गई है। गोभी 50 से 100 रुपए प्रति पीस मिल रही है। टमाटर जरूर 10 रुपए सस्ता हुआ है और आलू के दाम स्थिर हैं। चक्की आटा 1 रुपए प्रति किलो बढ़कर 25 रुपए में हो गया है। हालांकि दालों के दाम स्थिर हैं, वहीं रसोई और रिफाइंड के दाम 20 रुपए गिर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिलिंग ने लोक खाद्य पदार्थों पे 5% जीएसटी प्रस्तावित की थी। कंपनियों ने डीलरों को 18 जुलाई के बाद से ही बड़े दाम पर उत्पाद मिलने की जानकारी दी है। दाम बढ़ने के बाद आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। वहीं 1 लीटर दूध के दाम 55 रुपए और डेयरी वाले दूध के दाम 60 रुपए हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।